इस वक्त हम मौजूद हैं ललितपुर के देवगढ़ जैन तीर्थ स्थल पर और यहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे कि पुरातत्व विभाग द्वारा जैनियों का यह तीर्थ स्थल है और साथ साथ में प्राचीन यहाँ मूर्तियाँ मौजूद हैं और तमाम यहाँ से दूर दूर से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि अंदर यह पूरा नज़ारा है, पूरा तीर्थ स्थल क्षेत्र है जो कि पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है और साथ साथ अगर देखें तो अंदर की भी हम आपको ये कहानी एक ऐसे मनमोहक पर्यटक क्षेत्र की है जो बुंदेलखंड का हृदय स्थल तो है ही और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की जो कि तीनों ओर मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा है, जहाँ प्राचीन अलग अलग शासकों ने राज करने के कारण किसी एक शासक का अधिपत्य नहीं हुआ तो यहाँ पर्यटन के अनुकूल वातावरण सदैव रहता है। इसलिए शासकों के इतिहासकारों ने कभी यहाँ के पर्यटन क्षेत्र की शहर की कहानी बयान नहीं की है। आज उसी कहानी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसकी शुरुआत देवगढ़ से करते हैं जो कि ललितपुर जंक्शन से करीब 30 किलोमीटर दूर देवगढ़ रोड पर स्थित घने जंगल के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध धरोहर जो कि जैनियों के 24 तीर्थकार का यह मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल पर्वत श्रेणी की श्रृंखला पर मौजूद है, एक विशाल पहाड़ी पर बना है। यहाँ जाने के लिए प्राइवेट वाहन और पब्लिक वाहन जो कि ललितपुर स्थित क्षेत्रफल जैन मंदिर से प्रतिदिन सैलानियों के लिए उपलब्ध होते हैं। देवगढ़ में स्थित प्राचीन 1600 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। इनमें प्राचीन कलाकृतियाँ, मुनियों की तपस्या और प्राचीन गाथा को बयान करती कलाकृति मौजूद है। मंदिर की परिक्रमा लगाने पर दीवार पर स्थित यह मूर्तियों की कलाकृति मौजूद है, तो वहीं मंदिर के पीछे की परिक्रमा लगाने पर एक और गहरी खाई जिसमें बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को बांटती है, तो वहीं मंदिर के पीछे बनी ऊंची लंबी चट्टानों के बीच बनी गुफाएं और मूर्तियों की मौजूदगी बताती है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे और प्राकृतिक सौंदर्यता होने के कारण यहाँ सदैव अनुकूल वातावरण रहता है जो कि मनमोहक छटा से ओतप्रोत है। पहाड़ी के नीचे बने विश्राम गृह में 12 महीने निशुल्क शुद्ध शाकाहारी भंडारा भी चलता है। यहाँ पूरे क्षेत्र को एक दिन में ही घूमा जा सकता है।